बचपन से यहाँ रह रहे हैं, मतलब इट्स रियली हर्ट्स। बस उनके अच्छे कामों को देखा जाए, इतने अवार्ड्स उनको मिले हैं, इतना कुछ हुआ है, तो जल्दी से जल्दी सच देखें और सच के रिलेटेड फैसला सुनाएं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका फिर से स्वागत है। हम देखेंगे कि आम जनता की क्या राय है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, संत गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा के बारे में वो क्या ओपिनियन रखते हैं, जानते हैं उन्हीं से बातचीत करके। हाँ जी मैम, आपका नाम? सुमिंदर कौर। मैम आप कहाँ से? मैं वैसे तो पंजाब से हूँ, पर मैं अपनी एजुकेशन के लिए सिरसा आई थी। मैं 6th क्लास से लेके यहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया डेरे वाले स्कूल से ही, और मैं अभी सिरसा में ही रहती हूँ। मैम जैसे कि आप डेरे वाले स्कूल से हैं, तो इस स्कूल के बारे में मीडिया ने बहुत अफवाहें उड़ाई पीछे, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की सिक्योरिटी है यहाँ लड़कियों की? यहाँ पे देखा जाए तो सिक्योरिटी बाहर की साइड से बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे कभी भी मतलब बाहर तो ऐसा होता है कि कोई भी कहीं भी रोड पे जा नहीं सकता, जैसे बॉयज़ वगैरह सबको पता है कि मतलब क्या माहौल रहता है बाहर। इस साइड कुछ नहीं है, यहाँ से घर से लेके अगर आप वैन पे आते हो तो पूरी सिक्योरिटी वैन को दी जाती है, वैन के आजू बाजू कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता जो बाहर बसेस वगैरह बस स्टैंड वगैरह पे तो लोकल लोग देखते ही हैं। और स्कूल में पूरी सिक्योरिटी है, फीमेल टीचर से ही पढ़ाते हैं, मेल्स अंदर अलाउड नहीं है। मतलब और भी कोई टेक्निकल या फिर कोई भी काम होता है वो भी फीमेल्स को है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे स्टडी को लेके, जैसे मैंने NCC भी कर रखी है यहाँ से, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिससे मतलब अपनी जो इनसाइड अपने को नहीं पता होता कि अपने में टैलेंट्स क्या हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा निखर के बाहर आते हैं। हमारे प्रिंसिपल को भी रिसेंटली अवार्ड मिला है, तो मतलब कुछ तो बात है, तभी तो हम यहाँ पर पढ़ के छोटे से बड़े हुए हैं। मैम डेरा सच्चा सौदा में भी आप आती हैं, तो यहाँ डेरे का माहौल कैसा है लड़कियों के लिए? डेरे का माहौल भी बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग रखा, मतलब अलग अलग पंडाल बने हुए हैं, ऐसा उनका खाने पीने का सिस्टम भी सब कुछ अलग अलग है। मतलब बाहर रोड तक आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे अंदर फीमेल्स अलग और मेल्स अलग रखे जाते हैं, मतलब उनके अलग अलग कैबिन्स होता है वहाँ पे। अगर आपको मिलना है अपनी फैमिली से तो अलग साइड पे मिल सकते हो, कोई भी किसी के पंडाल में जाके मतलब जैसे बैठ के ऐसे नहीं बैठ सकता, अलग अलग है सफरे। लाइक जैसे गुरुद्वारे वगैरह में मेल्स का अलग होता है फीमेल्स का अलग होता है, वैसे इसे। मैम जैसा कि संत गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के ऊपर अभी अभी बेअदबी के आरोप लग रहे हैं, तो क्या किस धर्म की शिक्षा देते हैं वो? जैसे मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड सिख धर्म से ही है, तो ऐसा मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि गुरुजी किसी धर्म के लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं या हमें ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म गलत है या फिर तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो, जैसे बोलते हैं ना कि अफवाहें उड़ती हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि गुरुजी की कभी भी किसी भी वर्डिंग से कभी भी किसी को ये नॉलेज मिली हो कि हमने किसी धर्म का मतलब अपमान करना है। गुरुजी सबका सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी का भी गुरुजी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि बाकी गुरुओं का और अपने 10वें गुरुओं का। एज अ सिख धर्म को पता ही है कि वो अपना 11वां गुरु माना गया है, तो ये बहुत गलत है गुरुजी का नाम उस बेअदबी में जोड़ना। मैम जैसे कि गुरुजी की हर गतिविधि को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो क्या संत जी का राजनीति में रोल है कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी मतलब एज अ मतलब धर्म के प्रति अपने को नॉलेज देते हैं, वो अपने को अच्छे इंसान बनाते हैं, ये कभी नहीं कहते कि हाँ मतलब उनका खुद वो नहीं करते, तो कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा नॉलेज। बस गुरुजी ये कहते हैं कि तुम जिस सोसाइटी में रहते हो तुम्हें आजू बाजू ध्यान है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। गुरुजी स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहते कि हाँ ये करना है या ये करना है, उनका कोई रोल नहीं है। मैम जैसे कि अभी अभी गुरुजी पैरोल पर आए थे बाहर गुड़गांव, तो तब भी इस चीज़ को इलेक्शन से जोड़कर देखा गया, उस वक्त पंजाब में इलेक्शंस चल रहे थे, तो क्या ये राजनीतिक गतिविधि के अकॉर्डिंग पैरोल दी गई थी उन्हें? ये अकॉर्डिंग टू माइंड परसेप्शन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये मतलब हर एक का मतलब हक होता है ऐसा कि सबको छुट्टी मिलनी या पैरोल मिलना, तो इसको अपन राजनीति के लिए देखा जाए तो ऐसे तो फिर हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं। अब अगर गुरुजी को दोबारा पैरोल मिलेगी तो ये कहेंगे कि उसकी वजह से मिली है, बल्कि टाइम टू टाइम सबको मतलब पैरोल मिलना वो तो अपनी गाइडलाइन में है ही, और जो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि किस हिसाब से देनी है और कैसे देनी है कब देनी है, वो तो उनके बिहेवियर पर दी गई है उनको। मैम जैसे कि डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक संस्था है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा लड़कियों के लिए किए जाते हैं कि लड़कियों का उत्थान?
लड़कियों के लिए जैसे कि पहले तो जैसे कि शुभ देवी बोला जाता है कि जो भी बाहर मतलब वैश्यावृत्ति में जो लड़कियां होती हैं उनके साथ गलत काम होते हैं या फिर फैमिली या फिर किसी बाहर के प्रश्न की वजह से कोई छोटी एज में कोई चुरा के ले जाता है या कुछ भी हो जाता है वो फंस जाती हैं, उनको निकाला जाता है, उनको एक नॉर्मल लाइफ दी जाती है, उनकी मैरिजेस की जाती हैं। और एक थर्ड जेंडर जिसको मतलब बचपन से लेके आज तक अगर बाहर सोसाइटी में देखा जाए तो मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखते उनको, पर यहाँ पे उनको भी एज आ नॉर्मल इंसान गुरुजी ने उनकी हेल्प की थी, उनके लिए पीछे से लॉ भी पास हुआ था तो अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और बाकी अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये स्पेसिफिक काम बॉयज़ ही करेंगे, इसे अब बाहर बोला जाता है सोशलिज्म एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे सही में गर्ल्स को बिल्कुल उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और उनको जितना भी होता है एक पर्सनैलिटी जो होती है गर्ल्स की इन गुड डीड वो निखारा जाता है। मैम जैसे कि यहाँ ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स है तो लोग कहते हैं कि ये लड़ाई के लिए बनाई गई है या फिर कुछ और, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ? जो ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स है उसको मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई के लिए बनाई गई है, ये तो बस वो होता है ना कि एक दूसरे ने किसने सुन लिया और किसी को होता है कि भाई ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कुछ करो इनको देखता लाइक टाइप्स। अब ऐसा है कि जो ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स है ऐसे छोटे छोटे अच्छे काम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, अब हम बाहर भी देखते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, वो उसी टाइप का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में क्या होता है कि जैसे कहीं भी कुछ हो जाता है कि कहीं आग वगैरह लग गई, जैसे भी समर सीज़न चल रहा है तो कोई दुर्घटना हो गई या फिर उसको मतलब उन्हें ये सिखाया जाता है कि कहीं फ्लड आ गया तो तुम्हें कैसे मिट्टी का या फिर तुम्हारे पास जो भी इधर उधर का सामान है उसको यूज़ करके कैसे आप उसको मतलब पीपल्स की कैसे वो कर सकते हो, आप उन्हें लाइफ कैसे सेव कर सकते हो, फायर आग लग गई तो आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे कोई भूखा है तो उन्हें अपने आसपास ये ध्यान रखना होता है कि कौन कोई भूख से ना मरे, कोई सर्दी से, कोई गर्मी से, कोई प्यास से, बस छोटी छोटी जो बेसिक नीड्स होती हैं जो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए बस वो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कर रही है। सबको एक अच्छी लिविंग स्टाइल की ज़रूरत होती है, उसके लिए बस बेसिक्स जैसे जो जितना दे सकता है उतना अपना योगदान दे रहा है। मैम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे अभी बचपन से लेके आज तक जो भी गुरुजी ने सिखाया है मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जिस केस में ये मतलब कुछ भी हो रहा है अभी तक, मतलब ना तो गवर्नमेंट ने ना किसी ने ये तक नहीं बताया कि नाम किसका था, बट फिर भी इतने साल का केस बना के छोड़ दिया, हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं, मतलब इट्स रियली हर्ट्स। बस उनके अच्छे कामों को देखा जाए, इतने अवार्ड्स उनको मिले हैं, इतना कुछ हुआ है, तो जल्दी से जल्दी सच देखें और सच के रिलेटेड फैसला सुनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों हम लगातार सुन रहे हैं कि आम जनता अपील कर रही है कि जल्दी से जल्दी सच सबके सामने आए और ये जो यूथ है जो बुराइयों की तरफ फंस रहा है उनको जल्दी से जल्दी पिताजी शिक्षा देकर बाहर निकालें। हम जैसा कि सुन रहे हैं ये जो सारे दोष लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो जनता कह रही है बिल्कुल गलत है, तो सच सबके सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी, जल्द से जल्द देखते रहिए दोस्तों का फैक्ट है। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.